आज की हमारी इस वीडियो की टॉपिक है, लोग अक्सर पूछा करते हैं कि फ्रिज में लाइट जल रहा है, पानी भी ठंडा हो रही है, लेकिन आखिर उसमें बर्फ क्यों नहीं जमती। आज की वीडियो में हम उसी को बताएंगे कि आखिर फ्रिज में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें सिर्फ लाइट भी जलती है, पानी भी ठंडा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्फ नहीं जमती है। ऐसे प्रॉब्लम को आप अपने ही घर पर बिना किसी टेक्नीशियन हेल्प के, बिना किसी टूल्स की मदद से काफी सिंपल सरल तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं और आपको फ्रिज के पास लेकर चलते हैं। पर फ्रिज की दरवाजा को इस तरीके से खोल देते हैं। खोलने के बाद सिंपल आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को कैसे पहचानेंगे, अपने हाथ को देखेंगे। हाथ यहाँ पर बिल्कुल सूखा होनी चाहिए। सिंपल फ्रीजर की दरवाजा को खोलना है। खोलने के बाद इसमें रखी बर्तन में जो पानी वगैरह है वो ठंडा तो हो रही है लेकिन बर्फ नहीं जम रही है। उस प्रॉब्लम को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अपने हाथ को फ्रीजर के अंदर की साइड इस तरीके से चलाएं। देखिए इस तरीके से चलाएं, फिर देखते हैं तो हाथ यहाँ पर पानी पानी या फिर बिल्कुल गीला हो जाता है। और भी देखने का तरीका है, आप फ्रीजर के ऊपर वाले साइड को देखेंगे तो यहाँ पर पानी की बूंदे ओस की तरह से टपक रहा होगा या फिर यहाँ से पानी की बूंदे बनती होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है एक चोकिंग प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम उस फ्रिज में आ रही प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। काफी सिंपल आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में उस प्रॉब्लम को पहचानने के तरीके बताए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है उस फ्रिज में फिर से गैस चार्ज करने से, जो चोकिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ पानी ठंडा हो रही है, बर्फ नहीं जम रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।